नमस्कार दोस्तों, मैं राम सहा हैं। आप देख रहे हैं राम आर्ट स्टूडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक 20 mm का थर्माकोल लिया हुआ है और इस थर्माकोल में हमें बनाना है वेडिंग डिजाइन। तो उससे पहले मैंने ये न्यूज़पेपर को जो हार्ड डिजाइन होता है उसको मैंने कटिंग की है और इसी पेपर से मैंने एक थर्माकोल में फ्रेम बनाया है। इस तरह से देख सकते हैं, इस फ्रेम में अपन को लाइन बनाने में दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम लाइन खींच सकते हैं, इसलिए मैंने फ्रेम बना रखा। क्योंकि मुझे काम बार बार और हर बार करना पड़ता है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने फ्रेम बनाया हुआ है। तो फ्रेम में इस तरह से आसानी से लाइन बनाई जा सकती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होती और न्यूज़पेपर में डायरेक्ट लाइन बनाने में दिक्कत होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको सुंदर सी वेडिंग डिजाइन बनाकर दिखाते हैं। ये लाइन बनने के बाद हम एक छोटा फ्रेम भी रखा हुआ देख सकते हैं, इसको भी न्यूज़पेपर में काट के हमने बनाया है। बार बार तो बनाना ही पड़ता है, तो एक बार में ही हमने इसको काट लिया है और बार बार यूज करते हैं, तो बीचों बीच हम इसको पहले वाले डिजाइन में रख लेते हैं। क्योंकि हमको यहाँ से कटिंग करना है तो हम इसको रख लेते हैं और जो अब ये आउटलाइन बनेगी, इस आउटलाइन में डिजाइन देंगे। इस तरह से इस स्केच से अपन को बना लेना है और फिर जो आउटलाइन है उसमें इस तरह डिजाइन दे देना है। अब हम करेंगे कटिंग। तो ये जो चाकू है टेढ़ा, आप देख सकते हैं, ये टेढ़ा चाकू लेके हमको कटिंग करके इसको निकाल लेना है। टेढ़ा चाकू का इस्तेमाल करके काटने में क्या होता है कि हम जो कटिंग निकलेगी उसको उसके ऊपर रख के इसको ऊंचा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, इसलिए हम चाकू को थोड़ा टेढ़ा करके कटिंग कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, टेढ़ा कटिंग करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं और फिर जो आउटलाइन डिजाइन है उसको कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम ये आउटलाइन की कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो देख सकते हैं इस तरह से हमको रख के अब ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें हमको डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से हम इस स्केच से डिजाइन बना लेते हैं और फिर करते हैं कटिंग। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कटिंग करना है, बड़ी ही आसानी के साथ कटिंग करना है हमको, धीरे धीरे, एक्स्ट्रा ना कटने पाए, जितने में डिजाइन है उतने में ही हमको ये कटिंग कर लेनी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ लगन की ज़रूरत है। आप भी ऐसी डिजाइन बना सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो हमने स्केच से बनाया हुआ है उसी स्केच की लाइन से एकदम हमको कटिंग कर लेना है इस तरह से। ये ऐसे ही हमको कटिंग कर लेना है और डिजाइन हमारी बन जाएगी जी। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको और सुंदर डिजाइन इसमें बनाकर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने अगरबत्ती ली हुई है, अगरबत्ती में इस तरह से डिजाइन बनती है, देख सकते हैं। अगरबत्ती को जला के, ये थर्माकोल है, आँच दिखाने से पिघलता है, तो आप देख सकते हैं कैसे डिजाइन हमारी बन जाती है अगरबत्ती से। सिर्फ अपन आयरन शोल्डर से भी बना सकते हैं, तो हमने भी अगरबत्ती का ही इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं किस तरह से डिजाइन बना लेना है ये। और जो बीच वाला हार्ट है उसमें भी हम अगरबत्ती की सहायता से डिजाइन बना लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से डिजाइन बनाना है, बड़ा ही आसान है ऐसी डिजाइन बनाना और कटिंग करना। सिंपली ज़रूरी नहीं है कि पेंटर ही ऐसा काम कर सकते हैं, ये थर्माकोल की कटिंग आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये हमारी डिजाइन कंप्लीट। अब इसके ऊपर
अगर बत्ती से ही इसके ऊपर हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी आप गौर से देखें। इस ये और सिंपल है, अपन को थोड़ा रखना है बस, उसमें थोड़े से गड्ढा टाइप का हो जाता है। तो इसके चारों तरफ इस तरह से हम बना लेते हैं गड्ढे अगरबत्ती से, एकदम बराबर बनेंगे तो डिज़ाइन में और खूबसूरती बढ़ जाती है। देख सकते हैं इस तरह से अपन को डिज़ाइन बना लेना। ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसमें कलर। तो देख सकते हैं हमने इसमें एक डिब्बा रखा हुआ है, क्योंकि ये स्प्रे मशीन है और ये कलर, इससे हम फूंक मार के कलर करते हैं, तो ये जो डिज़ाइन है ये उड़े नहीं, थर्माकोल है, इसलिए इसमें हमने एक डिब्बा रखा हुआ है थोड़ा बजनी। तो एक साइड से हम कलर करना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं स्प्रे मशीन, अगर आप ये स्प्रे मशीन भी बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है और इसका वीडियो भी मेरी आईडी में पड़ा हुआ है। बड़ा ही सिंपल है ये स्प्रे मशीन बनाना, आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इस स्प्रे मशीन से जो कलर खिल के आता है, खासकर थर्माकोल में, वो देखते बनता है। तो देख सकते हैं इस तरह से कलर करना है। इसमें ब्रश का इस्तेमाल एक भी नहीं है, टोटल स्प्रे मशीन से ही पूरा कलर करेंगे। यहाँ पे फुहारा नहीं आया, यहाँ पे हम मैनेज करेंगे येलो कलर से। तो यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये चार कलरों का कॉम्बिनेशन है इस डिज़ाइन में, आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह हमको कलर कर लेना है। और ये डिब्बा इसके नीचे भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा इस तरह, यहाँ भी हमको मिलाना पड़ेगा। तो ऑरेंज और रेड कलर थोड़ा इसमें स्प्रे कर देंगे तो मिल जाएगी, देख सकते हैं। और ये हमारा कलर का काम भी पूरा हो गया, लगभग डिज़ाइन कंप्लीट। अब हम दूल्हा दुल्हन का नाम इसमें चिपकाएंगे फेविकोल लगा के इस तरह से। सो गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो दोस्त इस वीडियो में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।